Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. फरवरी 2018 बहुत ही सुंदर और प्यारा कार्यक्रम यहाँ किया गया है। तो सर पीछे जो मुख्य हेल्प किया है और सागर महिंद्रा के सबसे हुआ है और ये स्पेशल बच्चों के लिए जो देखा है जिससे नॉर्मल बच्चों का हमने काफी बार देखा है लेकिन स्पेशल बच्चों का किया एकदम ट्रेनिंग और उत्सव किया गया है जो मैंने खुद ने पहली बार देखा है। बहुत मुझे अच्छे काम दिखते और बाकी सर भी इधर थे उन्होंने जी सर क्या कहेंगे आज के बच्चों को। मैं सर ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूँ, महिंद्रा ग्रुप को स्पेशली थैंक्स करता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स होते रहे ऐसे एरियाज में तो इसे विकास में और थोड़ी सी मदद मिलती है बच्चों के अपने डेवलपमेंट में बहुत फायदा हुआ है। बहुत अच्छा रहा और स्पेशल चाइल्ड्स के लिए काम किया द ग्रुप और सालासर महिंद्रा ग्रुप और ये फुलवारी 18 को मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। ऑल द बेस्ट मैम। एक सेकंड म्यूजिक बंद करना, बस बाद में एक सेकंड। मैम क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, बहुत शानदार कार्यक्रम। सबसे पहले तो जो बहुत शॉर्ट पीरियड में सब बेस्ट टाइम इंप्लीमेंट है जिनसे बच्चों को उनकी और बच्चों के लिए हम ऑफकोर्स बच्चों के साथ बस गेट टूगेदर सीखनी है तो इतने कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों का इतना एक जगह पर लेकर आए। सबसे बड़ी बात जो बच्चों के तो मेरे को ये लगता था कि जननाई तो वो अलग अलग नहीं करना है तो एक साथ सेलिब्रेट करेंगे इस साल के लिए क्रिसमस भी आ रहा है तो बस एक छोटा सा प्रयास था और सक्सेसफुल हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। इस फुलवारी को ख्याल कैसे आया इस तरह का कार्यक्रम किया जाए। बच्चों का जब आप बहुत सारे बच्चे देखेंगे ना तो आपको नहीं लगता कि प्यारी सी है फुलवारी सी है तो हम लोगों को मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। फुलवारी जैसे कहते हैं बच्चे चाहते हुए से सारा वो तो हम लोगों को लग रहा था कि फुलवारी इज गुड आइडिया कि फुलवारी नाम भी बिल्कुल पसंद है और बस बच्चों के साथ कैसे होने वाला काम करना है बच्चों को कैसे कुछ यूज किया जाए प्लीज किया जाए कुछ किया जाए। क्या कहेंगे बच्चों को बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे स्पेशली मैं थैंक्स फॉर पीपल वॉचिंग करता हूँ दत्ता ग्रुप्स की तरफ से जिन्होंने ये शुरुआत की और ये तो दूसरा इवेंट है। पहले बहुत जद्द जहन करने से शुरू किया था और ये कोशिश बड़ी सक्सेसफुल आपने देखा किस तरह से भीड़ आई है कैसे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है तो अच्छा लगता है जब बच्चों को लेके स्पेशल जब स्पेशल चाइल्ड को लेके उनको आपने जो इनिशिएटिव लिए जो बहुत कम संस्थाएं होती है स्पेशल किड्स को लेके आती है और वो बच्चे खूब डांस किया हम लोगों ने और अच्छा लगता है ऐसे प्रोग्राम में आके कि आपको कुछ नया देखने को मिलता है बींग अ यंग टीम द डार्क ग्रुप और हौसला अफजाई करने को मिल करता है। थैंक यू। बारे में बताइए किस तरह से तैयारियां थी, कितने दिनों की तैयारी के बाद इस तरह का कार्यक्रम आपका आयोजित किया। सही कहूँ उनकी तैयारी बहुत लंबी चल रही है एक महीना हो गया मुझे तैयारी करते करते क्योंकि सबसे पहले तो इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है। बहुत मेहनत की हमारी पूरी टीम ने, मैं रही मार्केटिंग के लिए लेकिन ये है कि बच्चों का सहयोग था और मेरी पूरी टीम का सहयोग था और देखो कितना सक्सेसफुल इवेंट हुआ है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। और इससे पहले हम फुलवारी जो है आपको सर बता दूँ फुलवारी के बारे में लोगों ने आपको अलग अलग बताया होगा। फुलवारी दरअसल ये है ग्रुप एक बच्चों का ऐसा समूह जो सब बच्चे समाज के जितने भी बच्चे हैं किसी भी तबके से हों कम्युनिटीज के साथ हों किसी भी एज ग्रुप के हों स्पेशल बच्चे हों वो सब मिलकर अपने अपने टैलेंट को सामने रखें। जैसे सामान्य बच्चे को अधिकार होता है अपना टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करके दिखाने का उनकी परफॉर्मेंस स्कूल कॉलेज में आ जाती है पर ऐसे बच्चों को मौका थोड़ा कम मिलता है तो आज ही मैंने बहुत कोशिश की कि किसी संस्थाओं को बुलाएं पर ड्यू टू वेकेशन टाइम या किसी और प्रॉब्लम की वजह से बच्चे कम मात्रा में आ पाए क्योंकि मुंबई में मेरा पहला इस तरह का इवेंट है। इससे पहले हम जयपुर राजस्थान निकल चुके हैं 6 तारीख को हमारा सेम ऐसा ही फुलवारी इवेंट फुलवारी 2019 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगली बार ऐसी संस्थाएं जो स्पेशल बच्चों की परवरिश करती है ये आसान नहीं है कई बार ऐसे पेरेंट्स
अपने बच्चों को त्याग देते हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, मैं नहीं पाल सकता, ऐसी संस्थाएं उनके लिए करती है, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ एज ए ऑर्गेनाइजर। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आगे आपके माध्यम से कह रही हूँ कि अगर लोग मेरे सपोर्ट में आते हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो हम ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ज्यादा मात्रा में ऐसी संस्थाओं के बच्चे जुड़ेंगे, ऐसे लोग जुड़ेंगे, और मेरी इवेंट और भी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि किड्स ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंसेस देंगे, तो फुलवारी जो है एक बड़ा बगिया बन के महकेगा, एक बड़ा बगिया।